हर्ष मंदर, फिलहाल इनका नाम खबरों में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इनसे इन्हीं के एक भाषण के बारे में सवाल पूछा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी को यह बता दें कि हर्ष मंदर आखिर हैं कौन। हर्ष एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं जो कि अभी सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के डायरेक्टर भी हैं। हर्ष मंदर IAS अधिकारी थे और 2002 में गुजरात में हुए दंगों के बाद 2003 में उन्होंने इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से इस्तीफा दे दिया था। हर्ष मंदर नेशनल कैंपेन फॉर द पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन के फाउंडिंग मेंबर थे। जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए उन्हें जाना जाता है। 2005 में हर्ष मंदर फूड सिक्योरिटी के पैनल पर बतौर फूड कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंट किए गए थे। ये उस राइट टू फूड केस के बाद की कहानी है जिसे पूरी दुनिया में राइट टू फूड यानी भोजन के अधिकार और जुडिशियल एक्टिविज्म के मामले में कितनी ही बार उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। इसके अलावा हर्ष मंदर ने देश के बेघर लोगों के लिए तमाम काम किए हैं। हर्ष मंदर और NC सक्सेना ने 13 जनवरी 2010 को सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रिट पिटीशन दायर की थी जिसमें दिल्ली की सड़कों पर सोने को मजबूर लोगों को सोने की जगह मुहैया करवाने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसका तुरंत संज्ञान लिया था और फौरन दिल्ली सरकार को गरीबों के लिए सोने की जगह मुहैया करने का आदेश दिया था। यही हर्ष मंदर 4 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े थे। उनकी मांग थी कि दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा के ठीक पहले भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ FIR दर्ज हो। पुलिस प्रशासन ने या फिर किसी भी कोर्ट ने अभी तक दिल्ली चुनावों के दौरान और उसके बाद दिल्ली में हुई हिंसा से ठीक पहले दिए गए तमाम भड़काऊ भाषणों और नारों का कोई संज्ञान नहीं लिया था। लेकिन जब हर्ष मंदर ये मामला लेकर कोर्ट के सामने खड़े हुए तो कोर्ट ने उल्टा उन्हें ही झाड़ लगा दी। कोर्ट ने कहा कि अगर हर्ष ने अदालत को चैलेंज करने वाला भाषण दिया तो पहले उन्हें इस पर सफाई देनी होगी। हुआ ये कि भाजपा के नेताओं पर भड़काऊ भाषणों से जुड़ी FIR किए जाने में दिल्ली हाई कोर्ट के एंड से हो रही देरी को सुप्रीम कोर्ट ने अनजस्टिफाइड बताया। CJI SA बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने साथ में ये भी कहा कि 6 मार्च को बाकी सभी पेटिशंस के साथ इसकी भी सुनवाई हो। लेकिन उन्होंने हर्ष मंदर की पेटिशन पर सुनवाई के लिए 15 अप्रैल की तारीख दी और कहा कि उससे पहले यह देखा जाएगा कि क्या हर्ष मंदर ने भड़काऊ स्पीच दी है। इस पूरे मसले के दौरान असल में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के सामने एक एफिडेविट पेश किया था जिसमें इस बात का जिक्र था कि हर्ष मंदर ने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के सामने भड़काऊ भाषण दिया था और उसी ने हिंसा को हवा दी थी। 6 मार्च को कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और हर्ष मंदर को आदेश दिया कि वो दिल्ली पुलिस की बातों का जवाब दें। इस सब के बीच हर्ष मंदर को डिस्क्रेडिट करने के लिए कोशिशें तेज हो गईं। MyGOV इंडिया के पूर्व डायरेक्टर अखिलेश मिश्रा ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में दिल्ली पुलिस के लीगल सेल द्वारा फाइल किए गए एफिडेविट की तस्वीर थी। अखिलेश ने लिखा कि जिन्होंने भी सड़कों पर हिंसा की योजना बनाई और देश की डेमोक्रेसी पर दाग लगाने की कोशिश की अब उन्हें सजा मिलेगी। साथ ही उन्होंने हर्ष मंदर को सोनिया गांधी का हिटमैन भी कहा। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट किया। उन्होंने हर्ष मंदर को अर्बन नक्सल कहा। इस ट्वीट में उन्होंने एक वीडियो भी लगाया हुआ था। यह वीडियो क्लिप 55 सेकंड की थी। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से NRC के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा? आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं? ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन वेबसाइट ऑप इंडिया ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि हर्ष मंदर ने हिंसा भड़काई। इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है जिसमें उन्होंने राहुल कौशिक का ट्वीट लगाया है। राहुल कौशिक के 36,500 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इन्होंने भी वही क्लिप लगाई है जो कि संबित पात्रा ने लगाई थी। अमित मालवीय भी पीछे नहीं थे, उन्होंने भी यही वीडियो क्लिप लगाई। द फ्री प्रेस जर्नल ने मालवीय के इसी ट्वीट को बेस बनाकर एक आर्टिकल लिखा।
था। इसमें उन्होंने लिखा कि हर्ष मंदर ने कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी है। जी न्यूज की एक रिपोर्ट में भी अमित मालवीय का ट्वीट दिखाई पड़ता है। हरियाणा के आईटी सेल के मुखिया अरुण यादव और कर्नाटक के टूरिज्म मिनिस्टर सीटी रवि ने भी ऐसे ट्वीट किए। अब हम आपको सबसे पहले तो हर्ष मंदर की कही बातों का पूरा हिस्सा सुना और दिखा देते हैं, जिसे संबित पात्रा, अमित मालवीय, ऑप इंडिया, जी न्यूज वगैरह वगैरह ने आधा ही दिखाया। देखिए, ये लड़ाई संसद में नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उनमें उस तरह की नैतिक साहस नहीं रही है लड़ने के लिए। ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जीती जाएगी, क्योंकि हमने सुप्रीम कोर्ट को देखा है पिछले कुछ वक्त से, एनआरसी के मामले में, अयोध्या के मामले में, कश्मीर के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत और समानता और सेक्युलरिज्म की रक्षा नहीं की है। वहां हम कोशिश जरूर करेंगे, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन फैसला ना संसद में ना सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस देश का क्या भविष्य होगा, आप लोग सब नौजवान हैं, आप अपने बच्चों को किस तरह का देश देना चाहते हैं, ये फैसला कहाँ होगा? एक सड़कों पर होगा, लेकिन उस, और हम लोग सड़कों पर निकले हैं, लेकिन सड़कों से भी बढ़ के एक और जगह में इसका फैसला होगा। कौन सी जगह में इस लड़ाई का फैसला सबसे ज्यादा होगा? वो है अपने दिलों में, मेरे दिल में, आपके दिल में। हमें इसका जवाब, अगर वो नफरत भरना चाहते हैं, हम उसका जवाब अगर नफरत से ही देंगे तो नफरत ही गहरा होगा। अगर देश में कोई अंधेरा कर रहा है और हम लोग कहेंगे कि हम और अंधेरा करेंगे लड़ने के लिए, तो अंधेरा तो और गहरा ही होगा। अगर अंधेरा है तो उसका सामना सिर्फ चिराग जलाने, और पूरी बड़ी आंधी है और उसमें हम अपना चिराग जलाएंगे, उसी से यह अंधेरा खत्म होगा। इसलिए उनके नफरत का जवाब हमारे पास एक ही है, और वो है मोहब्बत। वो हिंसा करेंगे, वो हिंसा के लिए हमें भड़काएंगे, हम हिंसा कभी ना करें। उनकी नफरत का जवाब हमारे पास एक ही है, और वो है मोहब्बत। मुझे नहीं लगता कि दुनिया की किसी भी भाषा की डिक्शनरी में खोजा जाए तो इसमें से किसी भी एक शब्द के मायने हिंसा को भड़काने के काम आ सकते हैं। हर्ष मंदर प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, जो कि देश के हर नागरिक का अधिकार है, और साथ ही उजालों और मोहब्बत के रास्ते पर चलने को लोगों से कह रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने हर्ष मंदर पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया हुआ है, और भाजपा से जुड़े लोग, उनके खेमे का हर शख्स इस बात को दोहराता जा रहा है। हर्ष मंदर की एक और क्लिप है जो कि सोशल मीडिया पर चल रही है। अशोक पंडित ने इसे ट्वीट करते हुए हर्ष को व्हाइट कॉलर्ड पेड टेररिस्ट कहा, साथ ही यह भी कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश भेज दिया जाना चाहिए। असल में वो यूपी में प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस की बर्बर कार्रवाई की ओर इशारा कर रहे थे। अमित मालवीय ने भी इस क्लिप को ट्वीट किया और हर्ष मंदर की कही बातों को भड़काऊ कहा। एक दफा फिर ये क्लिप भी बीच में ही रोकी हुई नजर आती है। And I think they have failed India's minorities in recent months and years over and over again in the Ayodhya judgment, in how they responded to Kashmir, in how they responded to habeas corpus petitions on Kashmir, on how they responded to petitions about students being beaten up in Aligarh and Jamia. So we will approach the Supreme Court, but I don't think, and in the end it is not, I don't think this issue is going to be decided by was it a reasonable classification, was it not a reasonable classification. It's not a question of legalese that is at stake at this moment, as all of us have been clear about. The third place that it is going to get resolved, I think, is on the streets, and the battle is being fought, and it's being fought in ways that are inspiring.
इस वीडियो को शेयर करने वालों में भाजपा महिला मोर्चा के सोशल मीडिया की नेशनल इंचार्ज प्रीति गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर अनिर्बन गांगुली, भाजपा नेताओं द्वारा फॉलो किए जाने वाले ट्विटर यूजर्स गिरीश एस और ऋतु राठौड़ के अलावा जम्मू कश्मीर नाउ नाम से 16,000 फॉलोइंग वाला ट्विटर हैंडल भी शामिल है। ये वीडियो असल में जनवरी 2020 का है, जहां हर्ष मंदर CAA, NRC और NPR के बारे में बात कर रहे थे। कारवाए मोहब्बत YouTube चैनल पर इसे 3 जनवरी को अपलोड किया गया था। सबसे पहले उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करते हुए ये कहा, We've seen political parties across the spectrum, and in this case, barring specifically and honorably the left, we've seen them very shaky in their moral convictions through this entire process. We've seen them making cynical compromises for immediate political ends. And at some level, uplifting observation that they are now following our young people rather than leading them. इसके बाद उन्होंने देश की न्याय व्यवस्था पर अपना भरोसा जताते हुए उसके बारे में भी बात की। And we must approach them, we must approach the Supreme Court. I am one of many petitioners who are have challenged the CAA. But I would like to say again very clearly that the working of the Supreme Court in recent years, and it's important that for a democracy, for a majority in a democracy to not turn majoritarian, the Supreme Court has a very critical role. The judiciary has a very critical role, and I think they have failed India's minorities in recent months and years, over and over again, in the Ayodhya judgment, in how they responded to Kashmir, in how they responded to habeas corpus petitions of Kashmir, on how they responded to petitions about students being beaten up in Aligarh and Jamia. इसके साथ ही उन्होंने प्रोटेस्ट के बारे में भी अपनी बात सामने रखी। उन्होंने कहा कि लोगों को मिलकर अपनी बात सामने रखनी होगी और साथ ही अपने दिलों में नफरत को घर करने नहीं देना होगा। The third place that it is going to get resolved, I think, is on the streets. And the battle is being fought, and it's being fought in ways that are inspiring for all of us. But I think that there's a fourth place where ultimately this battle is going to be resolved. And that is in your and my hearts. Because it is in the end a question of whether we have allowed hatred against people based on their identities to be colonized in our hearts in the way that has been the project of the ruling establishment. Over the last 5 or 6 years. यानी हर्ष मंदर की इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए मात्र 45 सेकंड की एक क्लिप के जरिए उन्हें व्हाइट कॉलर टेररिस्ट, सोनिया गांधी का हिटमैन और न जाने क्या क्या कहा जा रहा है। हर्ष मंदर जल्दी ही कोर्ट के सामने दिल्ली पुलिस की बातों का जवाब रखेंगे और ऑल्ट न्यूज लगातार आपके सामने भ्रामक जानकारियों, फर्जी खबरों की सच्चाई लाता रहेगा। ऑल्ट न्यूज को डोनेट करने के लिए जाएं www.instamojo.com/@ऑल्ट न्यूज पर।